माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग पूजा की ज़िंदगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी जो है ओरियो बिस्किट है, उसका मैं केक बनाने वाली हूँ। तो आप पूरा ब्लॉग ज़रूर देखें और रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जितने भी बिस्किट थे, मैंने 8 पैकेट बिस्किट लिया यहाँ पे, और सारे बिस्किट से मैंने जो क्रीम है, बीच का जो क्रीम होता है, वो सारा निकाल दिया है। और सारा बिस्किट को अभी मैं मिक्सी में इसको पीसूँगी, एकदम मतलब मिही करना है। तो पूरा बिस्किट को मैं पीस के उसके बाद में मैं आगे की रेसिपी करूँगी। बीच में मैं चीनी मिला रही हूँ, ये 2 चम्मच मैंने चीनी डाला। अगर आपके पास मिही मतलब बारीक वाली चीनी है तो वो डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास वो बारीक वाली चीनी नहीं थी तो मैंने ये साफ बड़ी वाली चीनी डाली है जिसको मुझे पीसना पड़ा है। तो उसके साथ ही मैंने पीसा है। तो सारा बिस्किट मैंने पीसने के बाद, इसमें चीनी मिक्स करने के बाद, मैंने इसको जो चलनी होता है उससे मैंने चाल लिया है, क्योंकि जो भी छोटे छोटे अगर टुकड़े रह गए हैं तो वो उससे निकल जाए। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, ज़्यादा एक बार में मत डालिएगा नहीं तो ये ज़्यादा पतला हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो सारा अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं यहाँ पे एक कढ़ाई में ली हूँ, उसको मैंने गैस पे चढ़ाया है और उसमें मैं थोड़ा सा ये नमक डाल रही हूँ, क्योंकि ये नमक डालने से वो जो कढ़ाई में है वो कढ़ाई जलेगा नहीं और वो केक भी नहीं जलेगा, नमक ही जलेगा। तो इसीलिए मैंने इसमें नमक डाला है। और जैसे घर में हर किसी के अगर स्टैंड नहीं होता है तो आप जो गैस है उसके जो अंदर की प्लेट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इधर ये मेरा पूरा घोल पूरा अच्छे से देख सकते हो आप, बराबर बना है ना, ये तो पतला है ना तो मोटा है। और इसमें हम इनो मिलाएंगे, एक पैकेट इनो, मतलब थोड़ा सा कम मिलाना है, पूरा एक पैकेट उसमें नहीं डालना है। तो इनो इसमें डाल के हम पूरे जो है और उसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे, फटाफट से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इनो डालने के बाद, नहीं तो वो नहीं फूलता है फिर, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लेंगे। आप घर पे ज़रूर ट्राई करें गाइस, बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने इसको लॉकडाउन पे, जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे हमारे घर में किसी का बर्थडे था, तो फिर मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम में इसको ट्राई किया था, क्योंकि सारी दुकानें बंद थी तो हमें केक नहीं मिला था, इसलिए मैंने उस टाइम पर फर्स्ट ट्राई किया था। तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो उसके बाद मैं आज बना रही हूँ, इसलिए मैं सोची आप लोगों के लिए रेसिपी ले आऊँ। उसके बाद फिर मैं इसमें एक पैन लूँगी, एक्चुअली खम्बन का पैक मतलब है, खम्बन का पैन है, तो सबसे छोटा वाला जो है उसमें मैं बना रही हूँ। तो उसमें हल्का हल्का ऑयल लगा दूँगी नीचे से, ताकि ये जल्दी से निकल जाए, ये चिपके नहीं, इसीलिए हल्का हल्का ऑयल लगा दूँगी इसमें।
रिफाइन ऑयल लगाना है, सरसों तेल मत लगाइएगा। उसके बाद फिर इसमें जो भी मैंने बनाया है बिस्किट का, जो मैंने मतलब पेस्ट तैयार किया है, वो सारा इसमें डाल दूँगी इस तरह से। तो सारा जितना है हम इसमें डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से थोड़ा सा हिला के इसको बराबर में कर लेंगे इस तरह से, देखिए। और फिर जो हमने कढ़ाई में नमक डाला है उस पे हम इसको चढ़ा देंगे और फिर इसको हम ढक देंगे। 20 मिनट में ये तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। और इसके बराबर के जो ढक्कन होता है उससे ही ढकना है, मतलब अगल बगल से नहीं निकलना चाहिए। तो 20 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे मैं अब बीच में ट्राई कर रही हूँ कि ये हुआ है कि नहीं, तो एक चाकू से, एक नाइफ से, मतलब आप इसको चुभा के देखिए बीच में, अगर ये मतलब पक गया है तो फिर ये नहीं चिपकेगा, अगर नहीं पका है तो वापस से ढक दे। तो ये मेरा पक गया था तो नहीं चिपका। फिर मैं एक ये डेरी मिल्क चॉकलेट लेके आई हूँ। इस डेरी मिल्क चॉकलेट को हम क्या करेंगे, तो छोटे छोटे तोड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और एक चम्मच है, बड़ी सी कोई चम्मच लेके उसमें इस तरह से रख देंगे। फिर इसमें हम हल्का मतलब दो से तीन छोटी चम्मच दो मतलब मिल्क ऐड करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसको मतलब इसको हम क्रीम टाइप में यूज करेंगे। तो फिर इसको गैस में हम पिघलाएंगे, जितना भी मतलब चॉकलेट था उसको हम अच्छी तरह से गैस में पिघला लेंगे। आप चम्मच से हिला हिला के पिघलाइए, नहीं तो ये एक जगह जम जाता है। तो फिर उसके बाद इस तरह से देखिए मैंने इसको चम्मच से पिघलाया है। और इसका हम इस्तेमाल हम केक के ऊपर के समय करेंगे। आप जो चॉकलेट है वो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं एक ही यूज़ किया है, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है ये। और उसके बाद में फिर हम जो केक है, यहाँ पे देखिए ये मेरा केक तो तैयार ठंडा हो गया है, मतलब इसको गरम गरम मत नहीं निकालिएगा आप, गरम गरम निकालने से वो जल्दी नहीं निकलता है और अपना हाथ जलने का भी डर रहता है। तो आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, ठंडा होने के बाद आराम से ये निकल जाता है चाकू से साइड में इस तरह से करके। फिर देखिए कितने अच्छे से निकल गया, ये आप देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा बना है ये, और बिल्कुल रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा आया है। उसके बाद जो फिर जो मैंने बनाया था चॉकलेट का मिल्क डाल के जो मैंने बनाया था, उसको हम इसके ऊपर पूरी अच्छी तरीके से लगा देंगे इस तरीके से, पूरा क्रीम के जैसे लगा देंगे। क्रीम लगाने के बाद फिर जो हम बिस्किट के अंदर से जो मैंने क्रीम निकाला था उसको मैंने फ्रीज में रख दिया था, क्योंकि गर्मी है तो ये बाहर पिघल रहा था, तो उसको मैंने फ्रीज में रख दिया था। उसके बाद उस तरह से मैं जो क्रीम है उसको रोज़ सेप बनाऊंगी, जो रोज़ होता है उसका सेप हल्का हल्का आएगा इस टाइप का, मैं रोज़ सेप बनाऊंगी। इस केक में बिल्कुल भी मतलब मेहनत बिल्कुल भी नहीं है और कम पैसे में ही आप घर पे बना सकते हो, जो भी इसमें है सामग्री वगैरह वो घर पे ही सबके नॉर्मल घर पे ही मिल जाते हैं। तो इस तरह से नीचे का रोज़ सेप बना के नीचे का काट देना है ताकि ये अच्छी तरह से उस पर टिक जाए केक पे।
हमारा केक कब लगभग तैयार है, तो फिर मैंने सारा रोज़ इस तरह से साइड में लगा दिया था, पांच रोज़ बनाया था, बाकी का क्रीम जो बचा था वो हमारे घर की एक लड़की है जो मतलब उन्होंने खा लिया था। और उसके बाद मैंने ये जेम्स चॉकलेट मंगाया था थोड़ा सा एक पैकेट। इस चॉकलेट से आप डिज़ाइन कर सकते हो, अपने हिसाब से आप कर सकते हो जो भी डिज़ाइन करना है। तो मेरे पास जो उस टाइम दिमाग में आया तो मैंने वही किया। तो गाइस, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरी तरह देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ज़रा से भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे हार्ट शेप किया है साइड में, और आप ज़रूर मुझे बताएं कि नेक्स्ट रेसिपी आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट रेसिपी क्या ले आऊँ। तो यहाँ पे मेरा केक बिल्कुल तैयार है। तो फाइनली गाइस, मेरा केक हो चुका है तैयार। देखो कितना अच्छा मैंने हार्ट शेप दिया है जो जेम्स है उसका, और बगल में ये दिल वगैरह का थोड़ा सा डिज़ाइन जो क्रीम का है। मैंने किसी चीज़ को वेस्ट नहीं किया है, वो क्रीम, यहाँ तक कि उस क्रीम का भी मैंने इतने अच्छे से इस्तेमाल किया है। आप ये घर पे ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, अगर आपको कुछ रेसिपी का डिमांड है तो हमें ज़रूर वो बनाऊँगी, मैं ट्राई करूँगी। तो इस तरीके से मैंने सारा फिर कट पीस कर लिया केक का, और हमारे घर में जितने थे सबको खिलाया, सबको ही अच्छा लगा केक। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहे, वो आपको मिलता रहे। और यहाँ पर मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है सबको देने के लिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी था, और यहाँ पे कीर्ति एंजॉय कर रही है, उसको बहुत ही पसंद आया था। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहे, बाय बाय।